सुशांत सिंह राजपूत के पिता का किरदार निभाने वाले दीपक काजल ने बहुत सारी बातें कही हैं। दीपक काजल किस देश में होगा तेरा दिल में सुशांत के पिता बने थे और उनका ये कहना है कि सुशांत बहुत अच्छा था, बहुत मजाक मस्ती सेट पर किया करता था। जब सुशांत की खबर आई मुझे दुख हुआ, मैं जाना चाहता था लेकिन मैं 70 साल का वृद्ध हूँ, मेरे परिवार में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं वृद्ध हूँ और मुझे लॉकडाउन में ऐसे कोरोना की सिचुएशन में बाहर जाना, पर मैं सुशांत के लिए बहुत दुखी हुआ था। वो उनको उस समय से जानते हैं जब वो इंडस्ट्री में आए, उस समय से जब संदीप सिंह उनको जानने का दावा कर रहे हैं, उस समय से जब सुशांत और अंकिता साथ में थे तब भी जानते थे, वो उनको उसी समय से जानते हैं और संदीप भी उनको उसी समय से जानते हैं। तो अब जो है उन्होंने भी ये दावा किया है कि मैं संदीप को नहीं जानता, मैंने कभी सुशांत से उसके बारे में नहीं सुना, मैं महेश को जानता हूँ, महेश के साथ जो है उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मैंने भी कभी संदीप के बारे में नहीं सुना। और संदीप के बारे में जितनी चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लग रही है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा कि सुशांत का फ्लैट सील क्यों नहीं किया गया, सुशांत का फ्लैट तो सील किया जाना चाहिए था। तो ये सारी बातों को लेकर जो है अब उनके ऑन स्क्रीन पिता ने भी चिंता जताई है और एक चीज़ का दावा उन्होंने किया है कि वो भी कभी भी संदीप का ना उन्होंने जिक्र सुना, ना कभी सेट पर वो मिलने आए सुशांत से, क्योंकि सेट पर कई समय तक ये लोग दिन रात काम करते हैं तो बहुत सारे दोस्त आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी संदीप का जिक्र नहीं सुना और ना ही उनके बारे में। उन्होंने कहा हम लोगों ने कभी कभी पार्टियाँ भी की, हम महेश के घर भी जाते थे, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पर संदीप को नहीं देखा। तो एक और जो है उनको उस दौरान से जानते हैं जब सुशांत के स्ट्रगलिंग डेज थे, उन्होंने भी कहा कि वो संदीप को नहीं जानते हैं, संदीप के बारे में वो भी खाली मीडिया चैनल से के ज़रिए सुन रहे हैं और उन्होंने भी इस बात पर संदेह जताया है कि आखिर सुशांत का फ्लैट जो है सील क्यों नहीं किया गया था।